ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे वाटर पोल्यूशन। इस टॉपिक में देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है और वाटर पोल्यूशन के कारण क्या हैं, किस किस कारण होता है और इंडिया में वाटर पोल्यूशन की जो समस्या है वो कितने हद तक बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बचपन से हम लोग सुनते हैं कि जल ही जीवन है। जल जो है या वाटर है वो हमारी सभी बेसिक नीड्स के लिए जरूरी होता है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उसका कारण क्या है कि जो लाइफ की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, एक सेल से या एक कोशिका से। और कोशिका का या जो जीव द्रव्य का आधार होता है या आवश्यक अंग होता है वो क्या होता है, वाटर, जल। यह प्रमुख घोलक भी होता है और वाहक के रूप में भी एक कार्यशील पदार्थ है। तो अभी जो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी में 3/4 भाग में क्या है, जल है। जल से ढका हुआ पृथ्वी का 3/4 भाग होता है और संपूर्ण जल का जो 97.40% है वो महासागरों में पाया जाता है, जो कि कड़वा या खारा जल होता है। और पूरे पानी का 1.8% दोनों पोल्स पर, दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। और हम अपने दैनिक जो कार्य हैं उसके लिए 0.8% वाटर को यूज़ करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, पहले जो टर्म है वाटर पोल्यूशन, कि जब वाटर के अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका बैलेंस या उनका जो स्तर है वो डिस्टर्ब हो जाए या कम ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है कि ये वाटर पोल्यूटेड है या प्रदूषित जल है। और इन डिस्टरबेंस के कारण जल के जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण है उनमें चेंज हो जाता है और वो हमारे यूज करने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, तो उसे पोल्यूटेड वाटर या प्रदूषित जल कहते हैं। इस प्रकार होने वाले जो प्रदूषण है उसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। जैसे जो मैन मेड पोल्यूशन होता है ना, कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है या पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के कचरे को या किसी भी प्रकार के केमिकल को डायरेक्टली वाटर में थ्रो कर दिया जाता है जिससे वाटर क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो भी क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वाटर पोल्यूशन की समस्या है या जो प्रॉब्लम्स हैं, वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लगातार बढ़ रही है। जल के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। इसका जो वाटर पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे यह एक गंभीर समस्या या गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो और जो नदियों का जल है वो भी क्या है, अब प्रदूषित हो गया है। अभी अगर हम अपने आसपास में बात करें, हम अपने एरिया में ही बात करें, तो जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर का ओरिजिन कहाँ से है, पंजाब से, हरी के बैराज से। तो हरी के बैराज में सतलुज और ब्यास रिवर का एडजॉइनिंग एरिया है जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल का ओरिजिन होता है। और सतलुज रिवर में पंजाब के इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, चाहे वो रोपड़ की बात करें, क्योंकि सतलुज रिवर का जो एंट्री पॉइंट है पंजाब में वो नंगल से है और पीछे से भाखड़ा डैम से इसका ओरिजिन होता है और पंजाब पूरे से थ्रू होकर ये इंदिरा गांधी नहर के रूप में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो जो सतलुज रिवर है या जो सतलुज नदी है उसमें पंजाब की इंडस्ट्रीज का नंगल से लेके अप टू हरी के बैराज तक सारा जो केमिकल है, वेस्ट मटेरियल है, वो डायरेक्टली क्या है, सतलुज रिवर में थ्रो किया जाता है। अब लुधियाना क्या है, लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्ट है वो एक नाले के रूप में, बुड्ढा नाला जैसे कहा जाता है, उसके रूप में
बुद्धा नाला में डाल दिया जाता है, वो बुद्धा नाला फाइनली कहा सतलुज रिवर में मिल जाता है। तो इस प्रकार वो जो बेल्ट ऑफ वाटर है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना तक पहुंचता है। और हरिके बैराज में जहाँ इंदिरा गांधी नहर का ओरिजिन है, ये इंदिरा गांधी नहर का जो वाटर है, पिछले दिनों में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत दिनों तक ये प्रॉब्लम रही थी कि जो इंदिरा गांधी नहर के अंदर आने वाला पानी है वो पोल्यूटेड वाटर माना जा रहा था और उससे जो खेती प्रभावित हो रही थी। तो वो जो वाटर है वो पोल्यूशन कहाँ से ओरिजिन हुआ, वो पंजाब से पोल्यूटेड वाटर सतलुज रिवर से निकलकर इंदिरा गांधी नहर में के पानी के साथ ही वो जो पानी है या जो वाटर है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो इस प्रकार ये जो वाटर पोल्यूशन है, अगर हम अपने आसपास के एरिया में भी बात करें, बहुत दूर तक नहीं भी सोचे तो आसपास क्या है, डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, किसी नहर नाले में गंदगी को फेंक दिया जाता है, या जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, जो नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है वो पानी बारिश में पानी के बहाव के साथ जाकर नहर या नदियों में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो वाटर का पॉल्यूशन लेवल है ये धीरे धीरे एक गंभीर समस्या के रूप में बन चुका है। अब जो गंगा का जल है वो किस रूप में प्रदूषित हो रहा है, ये सबको ही पता है कि गंगा में क्या है, गंगा प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ होता है, कानपुर में, क्योंकि वहाँ पर जो कारखाने या जो फैक्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम है, उसका जो वेस्ट है वो गंगा नदी में डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाता है, उसको किसी प्रकार का भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, तो उसके कारण गंगा का जो जल है वो अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। और मथुरा में जो रिफाइनरी है, तेल शोधक जो फैक्ट्रीज हैं, उसका भी जो वेस्ट है वो जल में बहा दिया जाता है। तो ऐसी लगभग स्थिति कहाँ पाई जाती है, यमुना में भी, लखनऊ में बहने वाली नदी में भी, और राजस्थान की चंबल में भी। तो इस प्रकार क्या है, नदियों का जो पानी है, नदियों का जो वाटर है वो पोल्यूशन की स्थिति बढ़ती जा रही है, और हमारे तक जो पहुँचने वाला जल है, हमारे तक जो पहुँचने वाला वाटर है वो क्वालिटी में अच्छा नहीं मिलता। तो इस प्रकार ये जो समस्या है वाटर पोल्यूशन की, ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम बात करें कि वाटर पोल्यूशन जो है वो किस किस प्रकार से होता है या कौन कौन सा होता है, किस किस तरह का वाटर पोल्यूशन पाया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एस्टेब्लिशन फॉर्म के रूप में कि फर्स्ट है हमारे पास भौतिक प्रदूषण, फिजिकल पोल्यूशन, जिसमें कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं। एक है तापीय, सेकंड है स्वाद या गंध, मतलब उसका जो टेस्ट है या उसकी जो स्मेल है उसके बारे में बात किए थे। थर्ड इसका ऑर्डर या इसका कलर, नेक्स्ट इसकी झाग, फिफ्थ नंबर पे इसका जो अपद्रव्य होता है, और सिक्स्थ होता है इसका जो क्लाइडी अपद्रव्य होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारे पास रासायनिक प्रदूषण। अब रासायनिक जब केमिकल पोल्यूशन की बात करते हैं तो फिर से अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है ऑर्गेनिक, सेकंड इनऑर्गेनिक। और अगर हम इनऑर्गेनिक को देखें तो इनऑर्गेनिक में एसिड एंड बेस, और जो सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं, फिर नॉन सोल्यूबल जो सॉल्ट्स हैं, और जो पॉइजनस इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। तो ये सभी क्या है, इस प्रकार से होने वाले ये पोल्यूशन के टाइप्स है। और थर्ड वन अगर हम बात करें तो थर्ड है हमारे पास जैविक प्रदूषण या बायोलॉजिकल पोल्यूशन। बायोलॉजिकल पोल्यूशन में अगर हम बात करते हैं या बायोलॉजिकल पोल्यूशन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसमें हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, पैरासाइट्स एंड जो माइक्रो प्लांट्स हैं या स्मॉल प्लांट्स हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है जीव जंतु या जिसको हम ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वाटर पोल्यूशन के हैं ये आगे इसको फर्दर डिवाइड करके टेबुलेशन फॉर्म में बताया गया कि किस किस तरह से जो वाटर का पोल्यूशन है ये जल प्रदूषण होता है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो फिजिकल पोल्यूशन है वो किस प्रकार से होता है, तो इसमें वो पोल्यूटेंट्स या सोर्स आते हैं जिनका संबंध भौतिक कारकों से। भौतिक कारक कौन से होते हैं, जैसे टेम्परेचर है ना, हमारे पास सोइल है, एयर है, तो इस प्रकार के जो फैक्टर है वो फिजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। फर्स्ट हमारे पास बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन की। थर्मल पोल्यूशन क्या है, आप
इस थ्योरी को जोड़ के एक सिंपल सी टर्म में बात समझे कि थर्मल पोल्यूशन मीन्स ऊष्मीय पोल्यूशन, पानी के टेम्परेचर का बढ़ना। सिंपल सी फॉर्म में बात करें तो आप समझे कि तापीय प्रदूषण क्या होते हैं। तापीय प्रदूषण है कि जो वाटर का टेम्परेचर है या जो तापमान है उसपे होने वाली जो वृद्धि है वो क्या होती है, तापीय प्रदूषण कहलाता है। अब किस कारण होती है कि उसमें जल के सोर्सेज में भी टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है, या जो वेस्ट मटेरियल जाना जाता है, जो रेडिएशंस होती हैं, ये किसी भी कारण या जो यंत्र चलाए जाते हैं ना, इस कारण जो टेम्परेचर का वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करें स्वाद या गंध की, तो स्वाद क्या है कि अगर पानी, अभी हम जब पानी पीते हैं तो हमारे पास जो साफ पानी है उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो स्वाद और गंध की स्मेल क्या है कि अगर पानी खराब हो जाएगा या पोल्यूटेड वाटर, तो उसमें किसी न किसी प्रकार की बुरी स्मेल आएगी, और बुरी स्मेल आने के कारण हम उस वाटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, हमारे पास स्वाद या गंध का पोल्यूशन हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको उपचारित करते हैं या इसको ट्रीट करके फिर उसके बाद हम इसको पीने योग्य या स्वादयुक्त बना सकते हैं। नेक्स्ट हम कलर की बात कर रहे हैं। अगर वाटर का नेचुरल कलर देखें तो वो रंगहीन होता है और एकदम स्वच्छ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि अगर प्रदूषित जल की बात करें तो उसमें कुछ प्रकार के वनस्पतियाँ या इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, और अगर उसमें प्रदूषक और अधिक सम्मिलित हो जाए तो उस पानी का कलर ब्राउन या ब्लैक या डार्क भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो जल में अगर पोल्यूटेंट्स मिलते जाते हैं तो पानी का जो कलर है वो अपना नेचुरल कलर ना होकर अदर कलर बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो झाग है, कि जो झाग है वो क्या होते हैं। तो जो प्योर वाटर होता है या जो साफ पानी है जिसको हम यूज़ करते हैं उसमें किसी प्रकार की झाग नहीं पाई जाती, लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार के केमिकल्स या प्रदूषक मिल जाते हैं तो वह पानी बहते समय भी हमें उसमें झाग दिखाई देती है, और वो पानी यूज़ करने के लिए या हमारे पीने के लिए नहीं ठीक या उपयुक्त नहीं होता है। तो जो झाग झाग वाले पानी में जो घुले हुए या जो मिले हुए ठोस पदार्थ या बैक्टीरिया या ऐसे कुछ प्रकार के माइक्रो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है या विषैला जल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें निलंबित अपद्रव्य, कि जो जल में निलंबित अपद्रव्य कारण क्या हो जाता है कि अपद्रव्य कारण, अपद्रव्य कौन से हैं जिसमें मृदा है या खनिज पदार्थ है, कवक शैवाल है, तो उसके कारण इसे इस पानी को छानकर यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये पार्टिकल्स बड़े हो तो फिर जिसके कारण ये किरणों को, प्रकाश की किरणों को अवशोषित भी कर लेते हैं और यह पानी मैला दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कोलाइड अपद्रव्य, ये कोलाइडी अपद्रव्य है वो किस प्रकार इसको खराब करते हैं। तो जो कोलाइडी अपद्रव्य अपद्रव्य होते हैं वो भी क्या होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं या माइक्रो मिलीमीटर साइज के होते हैं, और कोलाइडी अवस्था को उत्पन्न करते हैं, और इनका जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि हम इसे नेक्ट आई से नहीं देख सकते, लेकिन इनके उपस्थिति के कारण जो वाटर है वो धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार जो ये वाटर पोल्यूशन है जिसमें हम फिजिकल पोल्यूशन को देखते हैं कि किस प्रकार से ये फिजिकल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड था केमिकल पोल्यूशन। केमिकल में हमारे पास दो था, एक तो ऑर्गेनिक और सेकंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक जो केमिकल्स है उसमें हाइड्रोकार्बन, फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन, वसा है ना, फैटी एसिड्स, अपमार्जक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये जो कार्बनिक रसायन होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं, और इनके कारण जो वाटर है वो पीने के लिए ठीक नहीं होता या जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये जो जीवनाशी या जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो इंसेक्ट्स तक ही सीमित नहीं होता,
क्योंकि इनका जो डायरेक्ट इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो वाटर तक भी हो जाता है। आपने सुना होगा एक पहले आजकल इसको केमिकल को बैन कर दिया गया, पहले डीडीटी यूज किया जाता था जो कि जिसका कि डिग्रेडेशन नहीं होता था, और जल इनके के कारण क्या था, जो जल है वो भी प्रदूषित हो जाता था और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और कुछ कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिनाइल है ये जल से क्रिया करके कंपाउंड बनने लगते हैं और जल में उपस्थित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनऑर्गेनिक प्रदूषण, तो उसमें हम फर्स्ट बात करते हैं एसिड बेस की, अम्ल और क्षार की। तो अम्ल और क्षार के क्या हो जाता है कि अगर नेचुरल जो वाटर है, जो प्योर वाटर है, उसकी जो पीएच है वो 7 होती है, मींस वो न्यूट्रल होती है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है। लेकिन अगर एसिड और बेस की बात करें तो अगर वो वाटर हमारा एसिडिक होगा या उसकी पीएच 7 से कम होती जाएगी तो भी वो हम वाटर यूज़ करने के लिए सूटेबल नहीं होता, यदि उसकी जो पीएच है या वो क्षारीय जल होगा तब भी वो यूज़ करने के लिए उपयुक्त नहीं रहता। घुलनशील लवणों की अगर बात करें तो उसमें अनेक प्रकार के जो स्वच्छ जल है उसमें अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस एक्सेट्रा। और इन लवणों की जो सांद्रता है वो एक निश्चित सीमा तक ही सही रहती है, अगर उसमें उसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो वो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित जल कहलाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो स्वच्छ जल है ये जो साफ जल है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर जल कहलाता है। अगर उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण है उनकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती है तो वो हार्ड वाटर कहलाता है। हार्ड वाटर का क्या होता है, जिसमें देखते हैं कि हम उस पानी को कपड़े धोने के लिए यूज नहीं कर सकते, जिसमें जो साबुन है वो फट जाता है। आपने जनरली देखा होगा कि अगर हम कई बार जो जमीन का पानी भी यूज करते हैं तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होता है इन लवणों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं घुलनशील अघुलनशील लवण। तो पानी के अंदर कुछ लवण कैसे होते हैं, घुलने वाले, और कुछ क्या होते हैं जो घुलते नहीं हैं। घुलने वाले हैं वो तो उसमें घुल जाते हैं, जो लवण अघुलनशील होते हैं उसके कारण जो पानी है या जो वाटर है वो हमें धुंधला या पारदर्शी दिखाई, धुंधला दिखाई देता है, पारदर्शी दिखाई नहीं देता, और ये क्या करते हैं कोलाइडल या निलंबन बना लेते हैं, और हम इस जल को यूज नहीं कर सकते, या अगर करते हैं तो ये हम हानिकारक होता है। विषैले अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें आर्सेनिक, शीशा, कैडमियम, बारा, निकल, मीन्स हैवी मेटल्स की जब बात करते हैं तो ये जो हैवी मेटल्स यदि वाटर के अंदर पाए जाते हैं तो ये क्या होते हैं, विषैले होते हैं, क्योंकि इनकी जो मात्रा है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, और बहुत ही सूक्ष्म मात्रा से अगर ये जल में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये यूज़ करने के लिए विषैले हो जाते हैं, इनसे फिर बीमारियों के रूप में असर दिखाई देने लगता है। बायोलॉजिकल प्रदूषण की बात करें तो पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया या कुछ प्रकार के जलीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो क्या है जल के अंदर ही अपनी वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो जीव जंतु या वनस्पति जीव जंतु द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो भी पानी के अंदर ही छोड़ दिए जाते हैं, या कुछ ऐसे इंसेक्ट जो अंदर पानी में मर भी जाते हैं उनका शरीर ही क्या होता है जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसमें सूक्ष्म जीवाणु, वायरस, शैवाल, फंजाई या जो है पैरासाइट्स, इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो प्रमुखता से इंक्लूड किए जाते हैं।